कितनी डिजाइन बनाई आपने, आउटफिट दिख रहा है और भी आउटफिट बनाए आपने इसी तरह के कुछ अलग अलग बनाए? वेल हम लोगों ने 15 आउटफिट्स बने हैं। बेसिकली ये एक जर्नी है फ्रॉम द पॉइंट जब 9/11 हुआ था तब से लेके अभी तक का। एक आई थिंक प्रिटी मच कोई भी दुनिया में ये नहीं कह सकता कि इस हादसे पे जब ये हुआ था 9/11 तब उनको दुख नहीं हुआ होगा। आई थिंक हम लोगों को व्हेन वी वर फर्स्ट गिवन दिस इनविटेशन कि ये शो हमने नए वाले बिल्डिंग में बनाना है, तो द फर्स्ट थिंग वॉज कि हमको एक ऐसा कलेक्शन बनाना है विच काइंड ऑफ टेक्स यू फ्रॉम द पॉइंट कि जिस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टूटा था, जिस दिन उसमें क्रैश हुआ था, जिस दिन इतनी सारी मौतें हुई थी, वहाँ से लेके हम आज की तारीख में कैसा फील करते हैं। सो दिस कलेक्शन बेसिकली स्टार्ट्स विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी शार्प लुक्स हैं इसके, जैसे इस आउटफिट में कोई सॉफ्ट एंगल्स नहीं है। इट्स अ वेरी हार्ड लुक बिकॉज उस वक्त जब वो हादसा हुआ था तब आई थिंक पूरी दुनिया में गम और गुस्से के अलावा बहुत ज़्यादा नहीं था। सो ये हमारा पहला आउटफिट है, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट यू वुड से द थिंग दैट आई फील पोर्ट्रेज एक्चुअल डे व्हेन इट हैपेंड। बट उसके बाद में पूरी दुनिया में ये फीलिंग चेंज हुई है। पहले आई थिंक इट हैज़ टेकन अस अ लॉन्ग टाइम ऑफ कोर्स, बट वक्त के साथ लोगों ने गम भी व्यतीत किया। मतलब देयर इज़ अ पीरियड वेयर वी हैव वाइट गाउन्स इसी कलेक्शन में, जो कि विच इज़ यू नो जहाँ पे शांति, थोड़ा सा पीपल वॉन्ट पीस, दे आर टायर्ड ऑफ फाइटिंग, दे आर टायर्ड ऑफ द हेट्रेड। एंड देन ऑफकोर्स बींग इंडियन हम लोगों के लिए लाल रंग जो है वो बहुत फेस्टिव है, एंड सो फॉर मी टू मेक द फिनाले आउटफिट आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग अदर देन अ रेड। सो आई एम होपिंग दैट पीपल अंडरस्टैंड दैट ब्लड इज़ ऑल्सो लाइफ गिविंग। सो वो रेड कलर जो हमारे फिनाले का आउटफिट है वो हमारे इंडियन लोगों में ऑफकोर्स ब्राइडल है, बट जनरली एक नए खून एक नए जोश का इंटरप्रिटेशन है। सो दिस होल कलेक्शन आई थिंक हमारा जो फिनाला होना चाहिए वो आई होप कि पीपल गेट कि वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ हैप्पी लाइफ हैपनिंग वेयर यू नो फिर से ये ग्रीफ फिर से ये क्लेश ये सब नहीं है।